बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हो आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टे होम, स्टे सेफ। चैप्टर नंबर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रिपल टैंक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिपल टैंक क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रिपल टैंक क्या है? एक डिवाइस है जो किस लिए हम यूज करते हैं, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाने के लिए, ताकि हम क्या है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर सकें। ठीक है, जब हमने लेबॉरेटरी में, फिजिक्स लैब में हमने वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवानी होती हैं, तो हम ये डिवाइस को यूज करते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, रिपल टैंक। आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि रिपल टैंक जो है वो बना हुआ है, वो डिवाइस आपको नजर आ रही है कि किस तरह की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है। द ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज प्लेस नियरली हाफ मीटर अबव ऑफ द सर्फेस ऑफ अ टेबल। ठीक है, जैसे फिगर में आपको नजर आ रहा है कि टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ग्लास जो है वो ग्लास ट्रे है। ठीक है, ग्लास ट्रे मतलब यानी कि जिसका बॉटम हमारे पास क्या है, शीशे का होता है। ठीक है, अब वो टेबल से ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास जो है ट्रे, उसका डिस्टेंस क्या रखा जाता है, हाफ मीटर रखा जाता है, यानी कि हाफ मीटर अबव होता है वो टेबल से। ठीक है, अब फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अलावा हमारे पास ऑसिलेटिंग पैडल हैं, और क्या है, पावर सप्लाई है, और मोटर है। ठीक है, और शेलो टैंक ऑफ वाटर, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, बल्ब है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पे आपको नजर आ रही, उसके साथ क्या है, एक ऑसिलेटिंग पैडल जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, वो पैडल क्या है, एक्चुअली एक लकड़ी का है, लकड़ी का पैड है, क्या है, जिसे हम क्या करते हैं, वाटर सप्लाई जब हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को, तो ये पैड क्या करता है, उस अपनी मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिससे जो है आपके जो ये रेक्टेंगुलर शेप की ट्रे है, इसके अंदर क्या है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने शैलो टैंक ऑफ वाटर रखा। शैलो का मतलब होता है कम गहरा, यानी कि इसमें हमने बहुत ज्यादा पानी नहीं लिया हुआ कि जब हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाएं तो पानी जो है वो बाहर आए। ठीक है, तो हमने कम पानी लिया है, कम गहरा पानी है, ताकि जो है हम वाटर वेव्स को आसानी से देख सकें। ठीक है, और यहाँ आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा होगा कि बल्ब है हमारे पास। बल्ब यहाँ पे हमारे पास क्या काम करता है, लाइट जो है वो, जब ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है हम उसको सब पावर सप्लाई करते हैं, तो वो क्या करती है, वाइब्रेट शुरू करना शुरू कर देती है। और आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि हमने टेबल के नीचे एक पेपर रखा हुआ है, वाइट पेपर। ठीक है, तो वो वाइट पेपर पे जो क्या है, वो वाटर वेव्स जो ट्रे के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, वो नीचे हमें नजर आती हैं, और जो बल्ब है वो वहां पे लाइट डालता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नीचे जो है वो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, थीके? जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ होती हैं वेव्स में। ठीक है, तो इसी तरह ये वेव फ्रंट हमारे पास बन रही है, जिसमें आपको कुछ डार्क एरिया नजर आएगा और कुछ जो है वो ब्राइट एरिया नजर आएगा। तो जो डार्क एरिया है वो ट्रफ है, और जो ब्राइट एरिया है वो यहाँ पे क्रस्ट का काम कर रहा है। ओके, हमारे पास 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले है रिफ्लेक्शन है, उसके बाद रिफ्रैक्शन है, और थर्ड जो है वो डायफ्रेक्शन है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, वन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन अदर मीडियम, दे बाउंस बैक इन टू द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब हम क्या है, वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करे, तो ठीक है, वो वहां से क्या है, टकरा के जो है वो फर्स्ट मीडियम में वापस चली जाए। ठीक है, तो जो आने वाली रे है और फिर वापस जो जाने वाली रे है, वो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ है। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको बिफोर रिफ्लेक्शन दिखाया हुआ है और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी दिखाया हुआ है। ठीक है, जो आने वाली रे है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट रे होगी वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, यहाँ पे बैरियर या ऑब्स्टेकल जो है वो लफ्ज क्या है, रुकावट के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि जब हमने वाटर वेव्स टैंक के अंदर वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, तो वेव्स हमने देखी थी कि वो फ्रंट वेव्स थी। ठीक है, तो अब हमने क्या रख दिया, उनके सामने एक ऑब्स्टेकल प्लेस कर दिया, एक रुकावट रख दी, कि जब वो वेव सीधी आ रही थी तो उन्होंने क्या किया, वो इंसिडेंट रे थी, जब वो ऑब्स्टेकल से टकराई तो वो क्या हुई, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे कि दूसरी फिगर में आपको नजर आ रहा है कि एक इंसिडेंट सीधी रे आ रही है और वो ऑब्स्टेकल के साथ टकराने के बाद वापस जो है वो फर्स्ट मीडियम की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है।
तो आने वाली रे हमने भी डेफिनेशन में देखा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो दोनों है वो इक्वल होंगी, यानी आई इज इक्वल टू आर. ओके, नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड करेक्टरिस्टिक विच इज रिफ्रैक्शन. अब डेफिनेशन हम देख लेते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या है, वेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इन टू द सेकेंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज. यानी कि क्या है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी खास एंगल के साथ जो है वो एंटर हो, ठीक है, तो उसका जो ट्रेवलिंग का वे है, डायरेक्शन है जो, वो चेंज हो जाए. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक मीडियम कौन सा है और दूसरा मीडियम कौन सा है. ठीक है, जैसे कि फिगर में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास डीप वाटर है और शैलो वाटर है. डीप वाटर एक मीडियम है और शैलो वाटर जो है वो दूसरा मीडियम है. डीप वाटर यानी कि गहरा पानी और शैलो वाटर यानी कि कम गहरा पानी, उसकी डेप्थ जो है वो कम है. ठीक है, अब जब हमारे पास डीप वाटर है उसमें वेव्स का साइज जो है वो ज्यादा है, तो वेवलेंथ ज्यादा है हमारे पास, तो इसमें पानी जो है वो ट्रांसफर भी कर रहा है, ज्यादा स्पीड के साथ कर रहा है. ठीक है, इसी तरह शैलो वाटर में जब वो ट्रांसफर होंगी तो वेव्स का साइज कम हो जाएगा और उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी, लेकिन जो है वो फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी. क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी का ताल्लुक हमारे पास किसके साथ है, वाइब्रेटर के साथ है, क्योंकि वो तो वो उसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है. ठीक है, मीडियम में चेंज आया. ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि पहले वो सीधी मूव कर रही थी, जब वो शैलो वाटर में आई तो उनका वे ऑफ ट्रेवलिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. ओके, नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड प्रॉपर्टी विच इज डिफ्रेक्शन. डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास. द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कॉल्ड द डिफ्रेक्शन. यानी कि जो हमने रुकावट रखी है उसके शार्प एजेस से क्या है, वेव्स आपकी बेंड हो जाएं या स्प्रेड कर जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन कहते हैं. ठीक है, अब जैसे कि आपको फिगर में नीचे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास टू टाइप्स की जो है वो दिखाया गया है, डिफ्रेक्शन दिखाई है. ठीक है, एक में हमारे पास जो हमने रखी है स्लिट का साइज जो है वो ज्यादा है और एक में जो है वो कम है. ठीक है, अब स्लिट जो क्या है वो क्या है, इनका जो डिस्टेंस है दरमियान में, ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हमने स्लिट्स का नेम दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो इनका दरमियान का, ऑब्स्टेकल्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो जो वाटर वेव्स हमने प्रोड्यूस करवाई हैं उनकी वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए. अगर उनके इक्वल नहीं होगा तो हमें जो है ये डिफ्रेक्शन का प्रोसेस नजर नहीं आएगा. ठीक है, जैसे कि अगर हमने देखा है कि फर्स्ट वाली फिगर जैसे आपको नजर आ रही है कि उसमें जो हमारे पास स्लिट का साइज है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें बहुत छोटी जो है वो डिफ्रेक्शन नजर आ रही है. ठीक है, जबकि जो दूसरा फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि उसमें स्लिट का साइज कम है, और क्योंकि वो हमने जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाई है उसकी वेवलेंथ के इक्वल है. ठीक है, तो इसलिए हमें वहां पे डिफ्रेक्शन जो है वो सेमी सर्कुलर पैटर्न में नजर आ रही है. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमने खास ध्यान जो है वो इस बात का रखना है कि जो वाटर वेव्स की लेंथ है उसके इक्वल यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए. ओके, एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू. क्वेश्चन नंबर वन है ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल 10.3, और दूसरा है कि आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है. आपके एक्सरसाइज में है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.8. ठीक है, अब ये सेम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, रिलेशन देखा था वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान. ठीक है, उन्हीं के फॉर्मूलाज पे बेस करते हैं ये. ठीक है, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. आई होप आप सॉल्व कर लेंगे. बेस्ट ऑफ. आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का, रिपल टैंक, जो आज हमने डिस्कस किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.